11 सालों से ये कार्यक्रम लगातार होता आ रहा है और सभी को मालूम है, सब लोगों में ये चर्चित है कार्यक्रम। और कृष्ण जी के जन्म के बाद में जो ये कार्यक्रम दही हंडी का मनाया जाता है, ये लोगों में प्रचलित हो चुका है और खास करके बहरामबाग के लोगों में, यहाँ के लोग जो है भली भांति जानते हैं कि यहाँ दही हंडी का कार्यक्रम 16 तारीख को जो है जन्माष्टमी के उस पर रखा जाएगा। तो इसमें लोगों का कुछ मनोरंजन हो जाए वो हिसाब से हमारे जो उत्तर भारत के जो कलाकार हैं उनका भी काफ़ी सहयोग होता है, वो भी ये मंच साझा करते हैं और बड़ा लोगों में बड़ा मतलब उत्साह होता है। आपके कार्यकर्ताओं को क्या कहेंगे और वरिष्ठ नेताओं को क्या कहेंगे? हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है, वो ये कार्यक्रम लगातार 11 वर्षों से जो है चलता आया है और हमारे वरिष्ठ नेताओं का हमेशा आशीर्वाद रहा है हम लोगों ऊपर, और मैं उन लोगों को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और यहाँ की तमाम जनता को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ पूरे देशवासियों को, कि इसी तरह जो है पूरे देश में खुशहाली रहे और हम आने वाले समय भी जो है इसी तरह जो है कार्यक्रम लगातार करते रहें। जी मैडम, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आधे हिस्सेदार आप हैं इस कार्यक्रम के, तो क्या कहेंगे आप? या तो आज जो है जो जन्माष्टमी की है वही शुभकामनाएं दीजिए। जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, तो क्या कहेंगे इनके बारे में? बड़ा जोश और खरोश इनके है, पावर इतना ज्यादा है कि ये यूपी और मुंबई दोनों देख रहे हैं, क्या कहेंगे? महिलाओं का आशीर्वाद है, जो सभी महिलाओं का नहीं हमारे घर वाली का आशीर्वाद है। सर आप वरिष्ठ हैं और बहुत ही जो है कि देख रहे हैं कि इतने और मतलब शानदार से ये काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे ओपी जी के बारे में? ये देखिए, जैसे हम सब जानते हैं कि समाज में बहुत कम लोग होते हैं कि जो समाज जोड़ने की प्रक्रिया को समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी पूरे जीवन में समाज जोड़ने की ही प्रक्रिया की थी। आप उनका पूरा गीता संदेश देख लीजिए या उनका जो है जो जीवनी देख लीजिए, तो ओम प्रकाश गुप्ता के जो है खून में ही जो है समाज सामाजिक एक व्यक्तित्व है और समाज के जोड़ने की प्रक्रिया उसमें है। वो जहाँ भी जाएगा वो बहाना ढूंढता है, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो या खेल कूद का जो है कोई भी विभाग हो, तो जहाँ मौका मिलता है समाज को जोड़ने की प्रक्रिया में वो बहुत ही अग्रसर रहता है। जी सर, क्या कहेंगे? कार्यक्रम बहुत सफल बना, क्या कहेंगे? कार्यक्रम पहले श्री कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी के दिन सभी देशवासियों का शुभकामनाएं, और ये प्रोग्राम जो है ओपी गुप्ता जी 11 साल से कर रहे हैं और यूपी से चल करके बॉम्बे आए हैं, जबकि उनका कर्म क्षेत्र यूपी माने महाराष्ट्र था, बम्बई का, लेकिन यहाँ से वहाँ जा करके वो भी यहाँ प्रधान बने हैं। प्रधान बनने के बाद कार्यक्रम वहाँ कर सकते हैं, इसका डबल लाभ होगा। लेकिन यहाँ के जनता का प्रेम, यहाँ का भाईचारा, यहाँ का जो दोस्ती है, जो इसका वो था, वो उनकी यहाँ खींच लाती है। प्रधान यूपी के हैं, इन कार्यक्रम क्या कर रहे हैं जी? सर आपसे जानना चाहेंगे कि युवा नेता आप हैं और बगल में आपके जो खड़े हैं वो भी युवा ही हैं, तो किस प्रकार से आप देखते हैं? मैं तो इनके साथ इनके बाग में आया हूँ कांग्रेस में और उनके साथ में काम किया हूँ, उनके कैंडिडेट के नाम मिला के मैं पिछले 11-12 सालों से देख रहा हूँ दही कला उत्सव। इनके जैसा यहाँ जोगेश्वरी के अंदर, या मैं शायद उत्तर पश्चिम जिले की बात करूँ, तो इनके जैसा कार्यक्रम कोई किया नहीं है। और मैं हमेशा देखता हूँ, एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि जब से ओपी भाई कार्यक्रम करते हैं या कोई भी चीज़, तो भाभी इनका बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करती है। एक खुशी की बात है, हमेशा इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहती है। जी, एक कलाकार से भी जानना चाहेंगे सर थोड़ा सा। आप इस मंच पे आए हैं और आपको कैसा लगा? इतना बड़ा भारी इतनी जनता जो आपके एक एक जो है कार्यक्रम पे जो है तालियां बजा रही थी, कैसे, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ सुनीता तिवारी और अनिल जेसवाल जी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में आने का मौका दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। मैं यहीं पास में रहती हूँ लेकिन आज तक मैंने यहाँ पे प्रोग्राम नहीं किया। मैंने बहुत जगह किया प्रोग्राम लेकिन यहाँ का प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ अलग है यहाँ का। और यहाँ के कार्यकर्ता भी जो है सभी ने अपना अपना जो कमांड था बहुत अच्छे से संभाल रखा था, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ। जी, इतने क्राउड को भी संभाला। जी, बहुत सारे क्राउड को संभाला। सर एक सीनियर हैं सर,
आप एक बिल्कुल सीनियर है और हमेशा जो है आशीर्वाद और इनको दिशा निर्देश देते रहते हैं, क्या कहेंगे सर कार्यक्रम के बारे में? देखिए ये हमेशा की तरह इस साल भी जिस हर साल मतलब ये बढ़ चढ़ के कार्यक्रम होते जाता है और ज्यादा लोगों की तादाद और ज्यादा लोगों की जो सोशल वर्कर है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल लीडर्स है, और ये सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रेम भाव जो है अपने आपसी प्रेम भाव आपस में मतलब ये इसको बढ़ावा देता है और कल्चर को भी बढ़ावा देता है। और ओपीजी की सबसे बड़ी ताकत ये है कि नए उभरते हुए कलाकारों को भी एक प्लेटफॉर्म देते हैं और उनको मतलब एक पहचान का मौका देते हैं। जी नए कलाकारों का कहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपने यहाँ कार्यक्रम कर दिया? देखिए ये कार्यक्रम मुझे करते हुए 11 साल हो गए हैं और ओपी गुप्ता जी को मैं तब से देख रही हूँ और उनकी मिसेज को, ये लोग बहुत ही मेहनत करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पर्दे के पीछे होते हैं जैसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर, तो मैं उनको अपना डायरेक्टर प्रोड्यूसर मानती हूँ कि जो बहुत ही मेहनत करती है उसके पीछे पर्दे के पीछे, मैं उनके लिए चाहती हूँ कि लोग जोरदार ताली बजाएं, मैं क्योंकि उनके मैं घर तक जाती हूँ और उनको मैंने देखा है मेहनत करते हुए। और मैं एक अभी मेरा राधा कृष्ण आ रहा है जो धारावाहिक, उसमें मैंने गाया है और अभी कल हमारा प्रसारित हुआ है, मैं उसको दो लाइन सुनाना चाहती हूँ कि बालों की भीड़ जमिया देखो रे देखो आया गोविंदा, बालों की भीड़ जमिया देखो रे देखो आया गोविंदा, सब एक होकर आए सताने, मटके को फोड़ कर माखन चुराने, टोली को लेकर आया नंदलाला, बालों की भीड़ जमी आज देखो रे देखो आया गोविंदा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में, आप बिल्कुल जो है कि आपने जी जी शुभकामनाएं क्या देंगे? चलिए और इतने जो कार्यकर्ता जो जुड़े हैं आपको, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो करते ही हैं अपना काम, जिनके हमारे कंधे पे कंधे हाथ रखते हैं करते, वही तो हमारा पावर है जो करते हैं। के विषय में ओपी गुप्ता जी को ये इनको ताकत कहाँ से मिलती है, इनको ताकत कहाँ से आती है इतना काम करने के लिए? ये सबके बस बात नहीं है, जितना काम करते हैं हाँ गणेश उत्सव है उसमें बच के चलेंगे, लेकिन इनको ताकत आती कहाँ से है? हम लोग ताकत लेने जाते हैं, हमारे सबसे बड़े भगवान कौन है? महादेव। ओपी गुप्ता जी के ऊपर महादेव का इतनी बड़ी कृपा है कि महादेव उनके पिताजी हैं, सच बड़ी चीज है। हमारे जब माँ बाप का आशीर्वाद होता है तो लोग पिता का आशीर्वाद कहाँ दे, बोलते क्या है हमारे सर बड़ा आराध्य कौन है? महादेव। तो ओपी गुप्ता के पिताजी महादेव ही हैं, उनका नाम भी महादेव है, इसलिए ओपी गुप्ता की इतनी ताकत और इतना हौसला आता है जो ये सब काम कर डालते हैं। चलिए एक हफ्ते के अंदर ये काम किए हैं उन्होंने, एक हफ्ता हो गया उनको यूपी से यहाँ आए, एक हफ्ते में इतना बड़ा प्रोग्राम कर डाले हैं, ऐसा प्रोग्राम आज तक कोई न कर पाता है न किया है न कर पाएगा। आप सब एक साथ महादेव को जो है सब चीज का श्रेय।